तो रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर वी हैव रेड टिल व्हाई क्रेंस्की'स गवर्नमेंट फेल्ड, कल मैंने यहां तक कराया था. क्रेंस्की की गवर्नमेंट फेल होती है तो हु केम टू पावर? लेनिन. लेनिन बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज थ्री प्रॉमिसेस, बिकॉज ऑफ अप्रैल थीसिस. अब लेनिन पावर में आ गया, लेनिन बिकेम द लीडर. पहले तो आपको सारा बताना पड़ेगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स में क्लैशेस हुए. देयर वर क्लैशेस बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक्स, क्योंकि क्रेंस्की की गवर्नमेंट फेल हो रही थी एंड लेनिन वाज बिकमिंग पॉपुलर. अब उन क्लैशेस से जो जो हुआ कि उन्होंने उनकी बिल्डिंग्स पे अटैक किया, उन्होंने उनकी जो जो हुआ आप बता सकते हो. लियोन ट्रॉटस्की यहाँ पे जरूर मेंशन कर देना कि रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी थी उसके अंडर, बोल्शेविक्स ने बनाई थी, विंटर पैलेस पे अटैक कर दिया. तो इन दिस वे लेनिन ने सारा सिचुएशन सब कुछ हैंडल किया. लेनिन बिकेम द लीडर. अब आए लेनिन के चेंजेस, अक्टूबर चेंजेस, जिसको हम कहते हैं अक्टूबर चेंजेस या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय बोल्शेविक्स. तो इसमें फर्स्ट आप बताओगे लेनिन ने सबसे पहले तो अपने प्रोमिसेस पूरे किए. ही टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. रशिया ने ये वार पूरी नहीं लड़ी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया 1917 में ही बाहर आ जाता है, और बाहर लाने वाला कौन था? लेनिन. तो लेनिन टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसीलिए कहते हैं रशिया में ज्यादा फिर डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी. रशिया एंड यूएसए दो कंट्रीज थी जिन्होंने इस वार को पूरा नहीं लड़ा. यूके फ्रांस ने पूरा लड़ा. तो रशिया एंड यूएसए ने इस वार को पूरा नहीं लड़ा. तो लेनिन ने सबसे पहले रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर किया, क्योंकि उसका मेन प्रॉमिस था. तो उसने बैंक्स को नेशनलाइज किया, तो नॉन रशियंस को राइट्स भी दिए. उसके अंडर लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ही आस्क्ड पीपल टू सरेंडर द टाइटल्स. जो जो जार ने टाइटल दिए हुए थे ना, तो उसने लोगों को बोला कि अपने टाइटल्स वापस करो, या क्रेंस्की ने दिए थे या जार ने दिए थे, सरेंडर द टाइटल्स. तो अंडर लेनिन रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, रेस्ट ऑफ द पार्टीज वर बैंड. रशिया में सिर्फ एक ही पार्टी रह गई थी, दैट वाज बोल्शेविक पार्टी. तो इस वजह से लेनिन ने बहुत से चेंजेस इंट्रोड्यूस किए. अब ये इनको हम कहते हैं अक्टूबर चेंजेस या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय लेनिन. तो इसके बाद आपका आ जाता है लेनिन की डेथ हो गई, तो पावर में आया स्टालिन. स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम कहते हैं स्टालिनिज्म. स्टालिनिज्म या कलेक्टिवाइजेशन. अब स्टालिन ने उसमें कोल खोज इंट्रोड्यूस की एंड कुलक्स रिमूव किए. ही इंट्रोड्यूस्ड कोल खोज, ही रिमूव्ड कुलक्स. अब ये पता होना चाहिए, दोनों टर्म्स पूछ लेते हैं पेपर में. कोल खोज का मीनिंग क्या था? कलेक्टिव फील्ड वेयर पीपल वर्क्ड कलेक्टिवली. बड़े बड़े फार्म्स थे, कलेक्टिव फार्म्स वेयर पीपल वर्क्ड कलेक्टिवली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय देम. कुलक्स. कुलक्स क्या थे? कुलक्स आप कहोगे रिच पीजेंट्स, वेल टू डू पीजेंट्स, इनको कहते थे कुलक्स. तो ही रिमूव्ड कुलक्स, ही इंट्रोड्यूस्ड कोलखोज. तो ये सब कुछ स्टालिन ने किया. ही फोर्स्ड पीपल ऑफ रशिया टू फॉलो स्टालिनिज्म. कलेक्टिवाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं? स्टालिनिज्म, बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय स्टालिन. उसे हम स्टालिनिज्म कहते हैं. तो ही फोर्स्ड पीपल टू फॉलो स्टालिनिज्म. अगर कोई स्टालिनिज्म को फॉलो नहीं करता था तो स्टालिन गेव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स टू दोज हु डिडंट फॉलो स्टालिनिज्म. स्टालिनिज्म फेल हो गया बिकॉज देयर वॉज नो प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल फील्ड. तो इस वजह से स्टालिनिज्म वहां पे ज्यादा देर तक नहीं चल पाया, कलेक्टिवाइजेशन. अब क्योंकि लैंड जो थी वो इन लोगों से छीनी जा चुकी थी कुलक से, तो अब कहीं ना कहीं रशिया में सिविल वार भी हुई. सिविल वार बिटवीन बोल्शेविक्स एंड नॉन बोल्शेविक्स. पूछा जा सकता है व्हाट डू मीन बाय सिविल वार? तो प्रेजेंट फॉर्म में ही आंसर दे सकते हो आप, व्हेन देयर इज वार बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द सेम कंट्री. इसका तो आंसर आप प्रेजेंट में ही दोगे. व्हाट इज सिविल वार? व्हाट डू मीन बाय सिविल वार? When there is war between people of different social groups of the same country, that is called civil war. ऐसी ही वार कहाँ पे हुई? रशिया में. किस किस में हुई?
वेरी गुड, बोल्शेविक्स एंड नॉन बोल्शेविक्स में. अब बोल्शेविक्स की हेल्प किन्होंने की बताओ? नॉन रशियंस, नॉन रशियंस, नॉन रशियंस. स्टालिन तो खुद वो था बोल्शेविक लीडर, तो बोल्शेविक्स की हेल्प किन्होंने की? नॉन रशियंस, क्योंकि नॉन रशियंस को उन्होंने क्या दिए थे? राइट्स. तो उधर नॉन बोल्शेविक्स की इनकी हेल्प किसने की? डिफरेंट कंट्रीज. कौन सी कंट्रीज? यूके, फ्रांस, यूएसए. क्यों इन कंट्रीज ने क्यों हेल्प की? क्योंकि सोशलिज्म से डरती थी वो कंट्रीज. रशिया में सोशलिज्म आ रहा था और वो कंट्रीज नहीं चाहती थी कि रशिया का सोशलिज्म हमारी कंट्रीज में भी आए. तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे नॉन बोल्शेविक्स जो थे उनकी हेल्प कर दी दूसरी कंट्रीज ने, यूके, फ्रांस, यूएसए. बट जीता कौन? बोल्शेविक्स. बोल्शेविक्स को हेल्प किन्होंने की? नॉन रशियंस. तो बोल्शेविक्स इसको, इस सिविल वार को जीत गए थे. तो अब अगर आपको आए कि रशिया की सोसाइटी कैसी थी, अब ये भी एक टॉपिक है. What do you know about Russian society? How it was different from the French society? Russia की society France से कैसे different थी? Russia की society कैसी थी? Russia में सबसे पहले तो main 85% people were कौन थे? Agriculturist. 85% people were agriculturist. फिर वहाँ के जो peasants थे, they were divided into how many parts? बताओ. Three. Very rich peasants. फिर मिडिल क्लास, फिर लैंडलेस. जो वेरी रिच थे ना, ऐसे वाले लोग, ऐसे वाले जो कुलक्स होते थे, ये वाले वेरी रिच पीजेंट्स जो थे ना, इनको, इनके मोस्टली मर्डर कर देते थे पुअर पीजेंट्स. पुअर पीजेंट्स की डिमांड थी कि लैंड ऑफ द रिच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर. तो सम टाइम्स दे मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स. कई बार इनके मर्डर हो जाते थे. और रशिया में मोस्टली ये बढ़ते चले गए मर्डर. रिच पीजेंट्स को पुअर पीजेंट्स ने मारना शुरू कर दिया था. एक तो ये. फिर हम कहेंगे कि रशिया में जो वर्कर्स थे ना, वहाँ पे लेदर वर्कर्स भी थे, वहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी थे. लेदर वर्कर्स की कंडीशन कहीं ना कहीं अच्छी थी. उनके छोटे छोटे बिजनेस थे, उनकी वर्कशॉप्स थी छोटी छोटी. तो जो दूसरे आयरन मिल्स थे वहाँ पे, बट जो दूसरे थे ना इंडस्ट्रियल वर्कर, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी. यहाँ पे वुमेन वर्कर्स थी. यहाँ पे वुमेन 31% वुमेन इंडस्ट्रीज में वर्क करती थी. तो वुमेन की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, बिकॉज वुमेन हैड टू कैरी देयर किड्स टू द फैक्ट्री विद देम. उनको अपने बच्चों को फैक्ट्री साथ लेके जाना पड़ता था. उनके लिए, बच्चों के लिए कोई स्कूलिंग नहीं थी. तो इस वजह से वुमेन की कंडीशन भी रशिया में अच्छी नहीं थी. तो फिर अगर हम कंपेयर करें विद फ्रांस, तो हम कहेंगे कि फ्रांस में कहीं ना कहीं सबसे पहले तो जो रिच पीजेंट्स थे ना, कहीं पे भी इनके मर्डर नहीं हुए. सम टाइम्स दे गोट हेल्प फ्रॉम पुअर पीजेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट. अगर तो याद रहे तो ब्रिटनी रिवोल्ट, नहीं याद रहे तो लीव इट. सम टाइम्स दे गोट हेल्प फ्रॉम पुअर पीजेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट. फ्रांस में तो रिच पीजेंट्स की हेल्प करते थे पुअर पीजेंट्स, रशिया में तो मर्डर करते थे. फिर हमने कहना है कि फ्रांस में जो वुमेन थी वो, उनकी लाइफ अच्छी थी. वुमेन जो थी या तो वो बिजनेस लाती थी, क्योंकि मेल जो थे दे वर बिजी इन फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. थर्ड स्टेट के मेल बिजी नहीं हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. तो इस टाइम में वुमेन जो थी, दे हैड टू डू टू काइंड ऑफ जॉब्स, इनसाइड एंड आउटसाइड. तो वुमेन या तो वुमेन बच्चों की भी केयर करती थी एंड छोटे छोटे बिजनेस चलाती थी, या फिर आप कह सकते हो कि वुमेन जो थी वो वहाँ पे क्लब्स बनाती थी, एसोसिएशंस बनाती थी फ्रांस में. तो फ्रांस की वुमेन जो थी मच बेटर एज कम्पेयर टू द वुमेन ऑफ रशिया. तो रशिया में तो बाद में स्कूलिंग सिस्टम आया, बाद में क्रैचेस आई, वुमेन वर्कर्स के बच्चे अब क्रैचेस में जाते थे. आफ्टर रेवोल्यूशन हुआ सब कुछ, बट हम बिफोर रेवोल्यूशन रशिया की सोसाइटी को फ्रांस से कंपेयर कर रहे हैं. फिर हमने कहना है रशियन सोसाइटी जो थी दैट वॉज बैकवर्ड सोसाइटी. बैकवर्ड थी, वहाँ पे कोई भी मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, डेवलपमेंट्स नहीं थी. फ्रांस की सोसाइटी बैकवर्ड नहीं थी, रशिया बैकवर्ड थी. अंडर जार इट वॉज बैकवर्ड कंट्री. तो इस वजह से आप रशिया को फ्रांस से कंपेयर करोगे
सेम ही एक क्वेश्चन और भी है आपको, फ्रांस और जर्मनी को भी कंपेयर करना है, पता ना यू हैव डन, फ्रांस की वुमेन जर्मनी की वुमेन से भी कंपेयर करो, तो हम दोनों में ही कहते हैं फ्रांस की बेटर थी, जर्मनी से भी फ्रांस की वुमेन की लाइफ बेटर थी। जर्मनी में तो हिटलर उन्हें राइट्स तक नहीं मांगने देता था, हिटलर ने तो बिगनिंग में ही डिस्क्रिमिनेट किया था, क्योंकि वो खुद ही कहता था वुमेन हैड टू डू ओनली हाउस होल्ड वर्क, उन्हें फैमिली की केयर करनी है, घर के काम करने हैं। हिटलर ने तो शुरू से डिस्क्रिमिनेट किया था, तो वुमेन हैड नो राइट, वुमेन कुड नॉट डिमांड फॉर द राइट्स, वुमेन राइट्स मांग भी नहीं सकती थी नाजी जर्मनी में, तो वुमेन घर के ही काम करती थी नाजी जर्मनी में। तो वैसे भी नाजी जर्मनी में ज्यूज मदर की कंडीशन वाज मिजरेबल, बहुत पुअर लाइफ थी उनकी, वेयर एज इन फ्रांस यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा था फ्रांस में। तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस की वुमेन की लाइफ वॉज गुड, फ्रांस में वुमेन जो थी वो क्लब्स बनाती थी, एसोसिएशंस बनाती थी, तो इस वजह से हम कहेंगे फ्रांस की वुमेन अपने राइट्स के लिए भी डिमांड रखती थी, तभी वो अपने राइट्स को लेके अवेयर थी फ्रांस की वुमेन, उन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट्स लॉन्च की फ्रांस में, तो इस वजह से हम कहेंगे फ्रांस की वुमेन की लाइफ मच बेटर थी एज कम्पेयर टू द वुमेन ऑफ जर्मनी। अगर आप रशिया से भी कंपेयर करते हो तो फ्रांस बेटर है, अगर आप जर्मनी से कंपेयर करते हो तब भी फ्रांस बेस्ट था। तो इस वजह से दोनों क्वेश्चन आपको आगे होंगे, फ्रांस की वुमेन को कंपेयर करना विद जर्मनी, और फ्रांस की सोसाइटी को कंपेयर करना रशिया से, और जर्मनी से फ्रांस की वुमेन को कंपेयर करना, दोनों में फर्क है। तो इसके बाद आया था रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ, अब तीन रिवोल्ट हो गए, 1905, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला टॉपिक आप कर चुके हो, फिर आपने किया सेकेंड रिवोल्ट 1917 फेब, फिर उसके बाद आपने किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेल्ड, वाइट फेल्ड, फिर हु बिकेम पॉपुलर, लेनिन, फिर आपने उसके लेनिन के चेंजेस पढ़े, लेनिन के चेंजेस जो हैं उसके बाद, क्योंकि वो पावरफुल हो गया उसके चेंजेस आपने पढ़े, प्रोविंशियल एंड लेनिन में जो क्लैशेस थे वो आपके रिवोल्ट ऑफ 1917 अक्टूबर बन गया। अब लेनिन चेंजेस हो गए, लेनिन के चेंजेस आ गए, बोल्शेविक्स के रिफॉर्म्स आ गए, जो भी आप कहना चाहते हो उसको। अब इसके बाद आ गया स्टालिनिज्म, स्टालिनिज्म मींस कलेक्टिवाइजेशन, अगर कलेक्टिवाइजेशन आता है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा किसने इंट्रोड्यूस किया, अगर स्टालिनिज्म आता है तो बहुत इजी है, फिर आपको 1 मिनट में पता चल जाना कि स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया, उस सिस्टम में क्या क्या हुआ आपको ये बताना है, ठीक है। फिर आपको सिविल वार, अभी आपने पढ़ा सिविल वार होती क्या, कहाँ पे हुई, कौन जीते, रशिया में कब कब हुई, किन किन में हुई, फिर आपने रशियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा, कैसी थी रशियन सोसाइटी, अगर हम फ्रांस के साथ कंपेयर करते हैं तो कैसे डिफरेंट थी फ्रांस की वुमेन की लाइफ एंड रशिया की वुमेन की लाइफ, सोसाइटी कैसे डिफरेंट थी, कौन सी सोसाइटी बैकवर्ड थी, तो ये सारा। इसके बाद अब आपको एक और टॉपिक है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया, देन इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन वर्ल्ड। अगर तो रशिया पे इम्पैक्ट आए तो आपने क्या क्या लिखना है, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या लिखेंगे इसमें, इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया, रशिया पे क्या असर पड़ा इस रेवोल्यूशन का, तीनों रेवोल्यूशन का, रशिया क्या बन चुका था, कैसा रूल खत्म हो चुका था रशिया में, मोनार्किकल ऑटोक्रेटिक रूल केम टू एन एंड, और किसकी कंडीशन अच्छी हुई थी रशिया में, वुमेन की भी, क्योंकि न्यू स्कूलिंग सिस्टम केम इन रशिया, वुमेन वर्कर्स के बच्चों के लिए क्या आ चुकी थी, क्रैचेस, अब वुमेन अपने बच्चों को फैक्ट्रीज लेके उनके बच्चों के लिए क्रैचेस थी, वहां पे जो पुअर थे उनके बच्चे हायर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा सकते थे, रशिया में पुअर पीजेंट्स के बच्चे वो जो थे दे कुड गो टू हायर यूनिवर्सिटीज फॉर फर्दर स्टडीज, और साथ में रशिया बिकेम सुपर पावर, हाँ नॉन रशियंस को राइट्स मिल चुके थे, रशिया बिकेम सुपर पावर, इस रिवोल्ट के बाद रशिया एक सुपर पावर बन गई थी। फिर आप बताओगे कि अंडर जार इट वाज बैकवर्ड कंट्री, नो डेवलपमेंट वाज देयर इन रशिया, बट आफ्टर रिवोल्ट, अब जार के बाद जो रिवोल्ट हुए तो फर्स्टली रशिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस अंडर लेनिन देन अंडर स्टालिन, तो ये सुपर पावर बन चुकी थी, कहाँ ये बैकवर्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ये बैकवर्ड थी, तो आफ्टर द रेवोल्यूशन जो 1917 के रेवोल्यूशन हुए हैं उसमें ये क्या बनती चली गई, सुपर पावर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो आपको पता ही है रशिया एक सुपर पावर बन चुकी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो कितनी बैकवर्ड थी, उसे क्विट भी करना पड़ा, तो सेकेंड में तो उसने यूएस के साथ मिलके नॉन मिलिट्री ब्लॉक बनाया था,
रशिया पावरफुल कंट्री बन चुकी थी अंडर लेनिन एंड स्टालिन, इट मेड ग्रेट प्रोग्रेस। फिर अगर हम कहें इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे क्या पड़ा, सबसे पहले तो पूरे वर्ल्ड में वेरी गुड सोशलिज्म दूसरी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो गया, क्योंकि रशिया में स्प्रेड हुआ तो दूसरी कंट्रीज में भी सोशलिज्म स्प्रेड हुआ। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल दिव्यांशी। फिर हम कहेंगे आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, क्योंकि लोगों को पॉलिटिकल राइट मिल चुका था, राइट टू वोट मिल चुका था, बट स्टिल अब रशिया में लोगों को डिस्क्रिमिनेशन था इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ हम कहेंगे रिच एंड पुअर। तो उन लोगों ने कहा कि हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें साथ में इकोनॉमिक एंड, क्योंकि रशिया सोशलिस्ट कंट्री बनी थी तो रशिया में लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस वजह से लोग कहते थे कि हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं सिर्फ चाहिए, हमें सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी भी चाहिए ताकि सोसाइटी में हमारे साथ इनजस्टिस ना हो। ऐसे वाले आइडिया स्प्रेड हो चुके थे, लोग जो थे अब वो इकोनॉमिक इक्वालिटी मांगते थे कि हमें सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो एक तो सोशलिज्म आया, एक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड। फिर हम कहेंगे वार्स हुई थी किस किस में, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट पूरे वर्ल्ड में, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट में झगड़े हुए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि लैंड जो है या इंडस्ट्रीज जो है वो किसके अंडर रहनी चाहिए, इंडिविजुअल। प्रॉफिट किसके पास रहना चाहिए, इंडिविजुअल, अंबानी को ले लो आप। बट सोशलिस्ट क्या चाहते थे, प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड अमंग वर्कर्स, लैंड शुड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने कहा लैंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आनी चाहिए एंड प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड अमंग वर्कर्स। तो इस वजह से इनके व्यूज, तभी तो ये सिविल वॉर यहाँ पे भी हुई थी, कुलक्स जो थे वो नहीं चाहते थे ना कि रशिया सोशलिस्ट कंट्री बने, वो कहाँ से, उनकी तो लैंड छीनी जा चुकी थी, तो इस रेवोल्यूशन की फेवर में थोड़ा थे, तभी तो वहाँ पे सिविल वार हुई थी। तो अगर रशिया में इस बात को लेकर सिविल वार हो सकती है तो पूरे वर्ल्ड में किस किस में झगड़े हुए, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट में पूरे वर्ल्ड में झगड़े होने शुरू हो गए, ओनली बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि लोग सोशलिज्म की, रिच पीपल दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ सोशलिज्म। कौन सी कंट्रीज भी सोशलिज्म की फेवर में नहीं थी, यूके फ्रांस एंड यूएसए, ये कंट्रीज सोशलिज्म की फेवर में नहीं थी। तो इस वजह से आप बता सकते हो रशियन रेवोल्यूशन, आप बताओ कहीं से ये लेसन टफ लगा, मुझे लगता है बहुत इजी अगर आप इस वे से पढ़ोगे, आपको पूरा सीरियल ऑर्डर में सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स पता तो यू कैन डू। फॉर एग्जांपल आपको लिखना, जैसे मैं बोलूं कि अक्टूबर चेंजेस की जगह वो लिख दें राइट द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय बोल्शेविक्स, तो आप लिख लोगे किसकी पार्टी। वहां पे दो तरह के लोग थे रशिया में, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। किसकी पार्टी सबके लिए ओपन रहती थी, मेंशेविक्स। मेंशेविक्स जो आता था उसे भर्ती कर लेते थे, बोल्शेविक्स पर्सन में क्वालिटी देखते थे, ये लोग क्वांटिटी पे स्ट्रेस नहीं देते थे जो बोल्शेविक्स थे, ये लोग क्वालिटी पे स्ट्रेस देते थे, पर्सन की क्वालिटी देखते थे कि कैपेबल है तो इसको अपनी पार्टी में लाते थे। इट मीन्स अपने आप सोचो इनकी पार्टी सबके लिए ओपन नहीं थी, बोल्शेविक्स की पार्टी सबके लिए ओपन, ये किस पे स्ट्रेस देते थे, और वो क्वांटिटी, वो नंबर बढ़ाते थे कि नंबर बढ़ा लो कोई बात नहीं, मेंबर्स बढ़ा लो, चाहे उनको कुछ उनमें वैल्यूज हैं नहीं है, कैसे लोग हैं सबको रख लो। तो कौन सी पार्टी बाद में पावर में आई, बोल्शेविक्स। मेंशेविक्स कोलैप्स हो गए थे, और वैसे भी बोल्शेविक्स जो थे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फेवर में थे, वेयर एज मेंशेविक्स दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ पार्लियामेंट। तभी तो जार डुमा को सस्पेंड करता है, कौन जार के सपोर्टर थे, मेंशेविक्स, कौन नहीं थे, टोटली अगेंस्ट थे, बोल्शेविक्स। तो इस वजह से हम कहेंगे बोल्शेविक्स का लीडर जो लेनिन, और उधर आप कह देते हो क्रेंस्की, तो लेनिन जो था ये क्वालिटी पे स्ट्रेस देता था, क्वांटिटी पे स्ट्रेस नहीं देता था, वेयर एज मेंशेविक्स वो पर सीधा ही क्वांटिटी देखते थे, देयर पार्टी वाज ओपन फॉर ऑल। तो ऐसे थे रशिया में दो तरह के लोग रहते थे, मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। तो इस वजह से आई थिंक द लेसन इज क्लियर। अब कोई भी टॉपिक आ जाए, जैसे मैं अभी बोलूं कि आपको लिख रही हूँ पेपर में राइट द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बोल्शेविक्स, आपको साथ में पूछा जाए 1917 अक्टूबर, तो आप इसमें क्या बताओगे, कौन सा टॉपिक आएगा इसमें। मैंने पूछा है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय बोल्शेविक्स इन अक्टूबर 1917, तो इसमें क्या लिखेंगे, वेरी गुड, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय
लेनिन, एक मिनट, चेंजेस और रिफॉर्म्स एक ही तो बात है, जो जो उसने चेंजेस किए वो रिफॉर्म्स ही तो थे। उसने रशिया को क्या बनाया, वन पार्टी स्टेट। रशिया बिकेम द फर्स्ट, रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट, रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम कम्युनिस्ट। तो लेनिन ने क्या क्या चेंजेस किए थे आपको बताया ना, लेनिन ने प्रॉपर्टी किसके अंडर कर दी, लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नॉट ऑफ इंडिविजुअल। और क्या किया उसने, रशिया को कैसी पार्टी स्टेट बनाया, वन पार्टी स्टेट। और क्या किया अक्टूबर चेंजेस में, क्या क्या किया उसने, अप्रैल थीसिस इंप्लीमेंट किया। उसका फर्स्ट प्रॉमिस क्या था, ही टुक रशिया आउट ऑफ द फर्स्ट, सबसे पहले तो उसने रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकाला। सेकंड, नेशनलाइज किए बैंक्स, नॉन रशियंस को राइट्स दिए। तो ये सारे चेंजेस, रशिया को वन पार्टी स्टेट बनाया, लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ही आस्क्ड पीपल टू सरेंडर द टाइटल्स गिवन गिवन बाय देम गिवन टू देम बाय ज़ार और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सारे लोगों को बोला कि टाइटल्स भी सरेंडर कर दो। ये तो इंडिया में भी हुआ था जब गांधी जी की मूवमेंट्स आई थी ना, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था जब इंडिया में, तो लोगों ने अपने टाइटल्स सरेंडर किए थे दैट वर गिवन टू देम बाय ब्रिटिश। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था, तो उन्होंने अपना टाइटल सरेंडर किया था। अभी भी तो हुआ है, हमारी एक पॉलिटिकल लीडर ने अपना टाइटल, प्रकाश सिंह बादल ने अपना टाइटल जो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था, तो उन्होंने अपना टाइटल सरेंडर कर दिया। ये सब चलता रहता है जब पॉलिटिक्स में, ठीक है।